अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखें। दोस्तों आज आप हज़रात की खिदमत में दूध और दही से मुतालिक 10 अहम ख्वाबों की ताबीरें अर्ज कर रहा हूँ और बहुत शॉर्ट और मुख्तसर अंदाज में उन्हीं ख्वाबों की ताबीर बयान कर रहा हूँ जो लोग आम तौर पर मालूम करते हैं। चुनांचे पहला ख्वाब है मीठी दही खाना ख्वाब में कैसा होता है। याद रखें कि अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को मीठी दही खाते हुए देखे तो इसका मतलब ये होता है कि ख्वाब देखने वाला सफ़र पर जाएगा और वो सफ़र उसके लिए बहुत खैर और भलाई का ज़रिया बनेगा और माली एतबार से रिस्क हलाल खूब कमा करके लाएगा उस सफ़र के ज़रिए। यानी मीठी दही खाने का ख्वाब अच्छा होता है। दूसरा ख्वाब है ख्वाब में खट्टी दही खाना। किसी शख्स ने देखा कि उसने खट्टी दही खाई है ख्वाब में तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला सफ़र पर जाएगा लेकिन वो सफ़र उसके लिए खैर और भलाई साबित नहीं होगा बल्कि मुसीबतों का ज़रिया बनेगा वो ख्वाब। और जब वो ख्वाब वहाँ से वापस आएगा उस सफ़र से तो फिर वो माले नुकसान का उसको सामना होगा। याद रखें ये ख्वाब अच्छा नहीं है। जब भी कभी कोई ऐसा ख्वाब देखें जिसकी ताबीर अच्छी ना हो तो तीन काम कर लें। अव्वलन तो उस ख्वाब के शर से बचने के लिए सदक़े का अहतमाम करें, अल्लाह ताला से आफियत की दुआ करें और तीसरा काम यह है कि वो ख्वाब किसी से बयान न करें। इसलिए कि जब तक ख्वाब किसी से बयान नहीं किया जाता उस ख्वाब का ख्वाब देखने वाले पर रियल ज़िंदगी में हकीकी ज़िंदगी में कोई असर नहीं पड़ता है। तीसरा ख्वाब है दही से मक्खन निकालना। किसी शख्स ने देखा कि वो दही से मक्खन निकाल रहा है ख्वाब में तो उसकी ताबीर ये है कि जितना मक्खन उसने ख्वाब में दही से निकाला है उतनी ही दौलत और इतनी ही माल और हलाल रिस्क से उसको नवाजा जाएगा। अच्छा ख्वाब है ये भी। चौथा ख्वाब है दूध देखना। किसी शख्स ने ख्वाब में दूध देखा है तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले ने जितना दूध देखा है उसी कदर उसको हलाल रोजी और माल हासिल होगा। ये भी बेहतरीन और अच्छा ख्वाब है। पांचवा ख्वाब है दूध पीना। किसी शख्स ने ख्वाब में अपने आप को दूध पीते हुए देखा है तो इसकी ताबीर यह है कि जितना दूध पिया है उसको अगर वो ख्वाब देखने वाला अहले इल्म हजरात में से है तो उसके इल्म में इतना ही इजाफा होगा और अगर वो उलमा और अहले इल्म में से नहीं है स्टूडेंट्स नहीं है तो फिर अल्लाह ताला उसको हलाल रोजी से हलाल माल से नवाजेगा। अच्छा ख्वाब है। छठा ख्वाब है खराब दूध देखना, खराब दूध पीना। किसी शख्स ने देखा कि वो खराब दूध हो गया है और वो उसने ख्वाब में पिया है तो याद रखें ख्वाब में खराब दूध पीना ये माली नुकसान की अलामत और निशानी हुआ करता है। सातवां ख्वाब है किसी को दूध हदिया देना। किसी शख्स ने ख्वाब में किसी को दूध हदिये में दिया है तो इसकी ताबीर ये है कि शरीफ नेक सीरत और बुर्दबार बीवी मिलेगी ख्वाब देखने वाले को। उसकी बीवी नेक भी होगी सीरत के अतबार से शरीफ भी होगी और तहम्मुल मिजाज और बुर्दबार भी होगी। और अगर यही ख्वाब दूध हदिया देने का कोई औरत देखे तो फिर ताबीर ये है कि औरत को माली फायदा हासिल होगा। आठवां ख्वाब है गैर महरम औरत का दूध पीना। किसी शख्स ने ख्वाब में किसी गैर महरम औरत का दूध पिया है अजनबिया का तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला माली नुकसान उठाएगा और दूसरी ताबीर यह है हराम माल जमा करेगा और तीसरी ताबीर यह है कि दीनी एतबार से उसको बहुत बड़ा नुकसान और खसारा होगा। ये ख्वाब अच्छा नहीं है किसी अजनबी औरत का दूध पीने का ख्वाब में। नवा ख्वाब है बिल्ली का दूध पी जाना। किसी शख्स ने देखा कि वो बिल्ली का दूध पी गया ख्वाब में तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले को वाले की किसी से लड़ाई होगी और उस लड़ाई के नतीजे में ख्वाब देखने वाले को माली नुकसान लाहिक होगा।
दसवां ख्वाब है भैंस का दूध पीना, किसी शख्स ने देखा कि उसने भैंस का दूध पिया है। तो इसकी ताबीरें दो हैं। पहली ताबीर तो ये है कि ख्वाब देखने वाला माल पाएगा, और दूसरी ताबीर ये है कि उसके इज्जत और मर्तबे में, समाज और माशरे में उसको इज्जत और मर्तबे में इजाफा होगा, और इसी तरीके पर वो नेक होगा, दीनदार होगा मिजाज के एतबार से। दोस्तों ये हमने आप हजरात की खिदमत में दूध और दही से मुताल्लिक 10 मुख्तलिफ तरीके के ख्वाबों की ताबीरें पेश की हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों से शेयर कीजिए, और अपने किसी भी ख्वाब की ताबीर जानने के लिए हमारी किसी भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में अपना ख्वाब लिखते हुए नाम बताएं, फिर फ्राइडे का वेट करें। इंशाअल्लाह ताला फ्राइडे की वीडियो में आपके ख्वाब की ताबीर जरूर बयान की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।